हे गाइस वेलकम बैक अगेन। सो गाइस आज डिस्कस करेंगे कैसे बहुत लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और जो भी उनका फैट लॉस गोल होता है या मसल गेन गोल होता है, लेकिन डाइट के वजह से ना गाइस वो वर्कआउट को कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। जो सीरीज होता है उनका, जो भी जर्नी होता है कि फैट लॉस करना है कि मसल गेन करना है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि डाइट तो एक बहुत, जो भी मैक्सिमम ना वर्कआउट करते हैं वो क्या सोचते हैं ना, डाइट अगर हम बहुत ही फैंसी रखेंगे, बहुत ही रॉकेट साइंस वाला डाइट रखेंगे, मतलब ये ऐड करो वो ऐड करो हज़ार तरह का, तो उससे क्या होता है, बजट का प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या मैनेज नहीं कर पाते हैं। अवेलेबिलिटी की भी इशू रहती है, मिलता नहीं लोकल मार्केट्स में, सो उनका डाइट फिनिश, मतलब उनका वर्कआउट जो जर्नी होता है ना वो भी कंप्लीट हो नहीं पाता है इसी वजह से। सो गाइस यहाँ पे बात करेंगे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कैसे डेली बेसिस में डाइट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब अच्छा खाओगे, ओट्स वोट्स खाओगे, वॉलनट्स लोगे या प्रोटीन पाउडर से, जो भी फैंसी डाइट ले सकते हो, जिनका पैसा वो लेंगे। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है या थोड़ा बजट उनका टाइट रहता है, तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? उनको लगता है कि अगर हम ये सब नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी बनने वाला नहीं है। बिल्कुल भी वैसी बात नहीं। अगर आप नेचुरली फॉलो करोगे, बेसिक डाइट फॉलो करोगे ना, उसमें आपका फैट लॉस हो सकता है और मसल गेन भी हो सकता है। सो गाइस एक चीज़ तो आप गांठ बांध के पकड़ लो, अगर आप वर्कआउट करते हो और डाइट फैंसी वाला डाइट लेते हो, लंबे तक लोगे तो चलेगा ना, लॉन्ग रन के लिए ले रहे हो, हम एक साल भर ले सकते हो, तब वो फ़ायदा में आता है। अगर आप फैंसी डाइट ले रहे हो एक या दो महीने तक और उसके बाद अगर वर्कआउट नहीं करोगे और वो डाइट को नहीं फॉलो करोगे, चलो वर्कआउट तो किया, वो डाइट को फॉलो नहीं किया, तो भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसलिए डाइट को सिंपल रखो जो आप लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। सो गाइस जो डाइट को आप 12 महीने फॉलो कर सकते हो ना, वही डाइट को फॉलो करना, वो होता है आपका सिंपल डाइट, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में मैं बताता हूँ क्या क्या आप सिंपल डाइट लेके अपना फैट लॉस भी कर सकते हो, मसल गेन भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से उसको पूरे 12 मंथ्स ईयर के अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, उस डाइट को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ना ही कि डाइट लेना, डाइट फैंसी डाइट लेना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एक और पॉइंट रखना चाहूँगा, अगर आप जिम भी जाते हो ना, कोई भी पहली बार अगर जिम गए होगे या अभी ऑनलाइन भी किसी से कोचिंग ले रहे हो, तो आप जब भी उनसे डाइट के बारे में पूछोगे ना, तो सबसे पहले बोलेंगे ओट्स दलिया लो, फिर आपका बोलेंगे वॉलनट्स लो, जितने भी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं ये लो, फिर ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड ये सब सोच लो, और भी ओट मिल्क बहुत सारा फैंसी होता है ना, तो ये फैंसी के चक्कर में आप उनका जिम का फीस दोगे या पर्सनल ट्रेनिंग का फीस दोगे या फिर डाइट में इतना इन्वेस्ट करोगे, तो ये सब हो तो पाता नहीं है और प्रॉब्लम हो जाता है। हम धीरे धीरे वर्कआउट को फिटनेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो डाइट एकदम ही सिंपल रखना, और सिंपल ही रखोगे तो बेस्ट है और अपना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर पैसे हैं तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका हार्ट टाइट है, ठीक है ना, तो इसको भी मेंटेन करोगे ना, मतलब गारंटी आपका अच्छा खासा हो सकता है, मतलब बॉडी बन जाएगा, हो सकता है क्या, होगा ही। सो गाइस चलते हैं सीधे पॉइंट पे, जो हमारा सिंपल डाइट है, जो टॉपिक है, रियल टॉपिक वो क्या है सिंपल डाइट में। गाइस अगर देखो यहाँ पे पॉइंट आता है, अगर फैट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, या फैट लॉस मसल गेन दोनों एक साथ कर रहे हो, ये डाइट हर जगह फिट बैठेगा। बस आपको इसको अपने कैलोरीज को ध्यान पे रखना और इस डाइट को फॉलो करना है। तो सिंपल डाइट है क्या? राइस, गाइस राइस हर घर पे बनता है, राइस ऐड करो, रोटी ऐड करो, चिकन ऐड करो, फिश ऐड करो, ब्रोकली नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करो, सोया चंक्स सोयाबीन ये ऐड करो, काले चने सफ़ेद चने, ठीक है, इनको स्प्राउट फॉर्म में लो, और दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल है, चिकन फिश दाल मतलब पनीर है, ये सब आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। और घी ऐड करो अगर गेन कर रहे हो नेचुरली, अगर नेचुरली मतलब आपके पास अवेलेबल है तो घी ऐड करना गारंटी। दूध मिल्क गाइस ये सब ऐड करोगे, और भी बहुत सारे, लेकिन इतने बेसिक हैं। इसको अगर आप अपने डाइट में ऐड करते हो, गेन कर रहे हो, तो क्वांटिटी को हाई करना, लेकिन देख के कैलोरीज अपना काउंट करके, और जब लूज़ भी कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तब उसमें भी अपना ध्यान कर रखना, बस इतना ही। ये अगर आप फॉलो करोगे ना, आपका लाइफ लॉन्ग आप फिट रहोगे, लाइफ लॉन्ग आप वर्कआउट करते चलोगे, लाइफ लॉन्ग आपका फिटनेस लेवल ग्रो करते जाएगा धीरे डे बाई डे। और कुछ भी फैंसी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा सा हाथ टाइट है, जब कर सकते तो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेसिक इसको तो फॉलो करना, बहुत लोग छोड़ देते हैं इसको, बेसिक्स नहीं देख के इधर उधर का उल जलाल ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा बेसिक डाइट, इसको फॉलो करना, मतलब ये सब ऐड करो, ठीक है। नॉर्मली बता दें, आप जिसको भी डाइट चाहिए प्रॉपरली, अपना वेट हाइट एज बता के रखो कमेंट सेक्शन में, एक अच्छा सा डाइट प्लान करके दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो देखो, नॉलेज गेन करो और क्या, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ। तब तक फिट रहें, हेल्दी रहें, डाइट फॉलो करते रहें, और अपना और दूसरों का ख्याल रखें और खुश रहें।